हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत जो अपडेट आ रही है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसे रद्द कर दिया जाए, इसके लिए जो अपडेट है ऑल टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। और पूरी जानकारी इस वीडियो में एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 10th 12th दोनों का इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और जो अपडेट आ रही है एग्ज़ाम को रिलेटेड कर दिए जाएंगे और तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो चैनल पर सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन एंड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आती है तो उसे आप मिस ना करें। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोविड-19 के मामले भारत में बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ और बहुत ज़्यादा मामले मिल रहे हैं। एक बीच में मध्य प्रदेश भी है जहाँ कोरोना के मामले फैल रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के शिक्षा मंत्री ने ये फैसला लिया गया है कि आपकी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं 10वीं क्लास की। जैसे कि आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी ने अपनी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और 12th की पोस्टपोन कर दी है। इसी बीच जो मध्य प्रदेश बोर्ड है शिक्षा मंडल की ओर से जून में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को 26 अप्रैल की यानी आज बैठक में ये जारी किया जाएगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उसका जो पैटर्न है वो उसको पे भी लिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पे, और राज्य में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही फैसला किया जा सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं यानी हाई स्कूल परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने और 12वीं की सेकेंडरी परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के साथ नई डेट शीट, एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कक्षाओं के आयोजन पर अंतिम निर्णय आज किया जा सकता है। और अभी ये निर्णय आने ही वाला होगा, तो जैसे ही कोई निर्णय आता है एग्ज़ाम को रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपकी परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं 10वीं की, तो आपको हम सूचित कर देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए जल्दी से। धन्यवाद।